वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 4। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देख लेते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने सुना होगा कि जो लोहे की चीज़ें होती हैं उनमें जंग लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये क्यों लग जाता है, हम उसकी बात करते हैं। होता क्या है कि जब आयरन मॉइस्चराइज्ड एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, यानी कि जब हमारा आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तब हमारा प्रोडक्ट बनता है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड Fe2O3 × X वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है, इसी को हम बोलते हैं कि इसकी वजह से जो हमारा आयरन है वो रस्टेड हो गया है। और हमने, अगर आपको याद हो, क्लास 7th में हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने देखा था बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जब आप एयर की प्रेजेंस में, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी चीजें बर्न होती हैं, ये तो आपको पता ही है, और हम इसको मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे देखो, पहले वाले केस में आपका बना फेरस ऑक्साइड, सेकेंड वाले केस में जब मेरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, दोनों ही एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जब हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। पहले वाले रिएक्शन में हमारा हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है और सेकेंड वाले रिएक्शन में हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब हमें एक और एक्टिविटी करनी है, हम करेंगे एक्टिविटी 4.3। इस एक्टिविटी में जो रस्ट बना, जैसे हमारा आयरन से रस्टेड आयरन बना, उसका नेचर क्या है। जब हमारी आयरन ऑक्सीजन और वाटर के बीच रिएक्शन हुई, हमारा बना है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। तो ये जो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड बना, ये हमारा एसिडिक है या बेस है, उसका नेचर क्या है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो आपका कोई भी आयरन कंटेनर है और उस आयरन कंटेनर को आप उसमें थोड़ा सा वाटर लगा के और उसको हवा में छोड़ दो कुछ घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, आपका जो रस्ट है, रस्टेड आयरन है, वो वहां पे कलेक्ट हो जाएगा उस कंटेनर के अंदर। अब ये जो रस्टेड मटेरियल है, उस रस्ट का आप एक चम्मच लेंगे और उसको थोड़े से वाटर में डिजोल्व कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि जो वो रस्ट वाला मटेरियल है, आप उसको वाटर में सस्पेंडेड देख सकते हैं। अब उसको आप अच्छे से हिलाएंगे, चलो हम आपको फिगर से समझाते हैं। ये यहाँ पे हम रस्ट का नेचर क्या है उसको टेस्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, ये रस्ट है और ये रस्ट आपका कैसे बना कि जब हमने आयरन को, मतलब थोड़ा सा वेट मॉइस्चराइज्ड एयर में अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो हमारा रस्ट बन जाता है। इसको हम थोड़ा सा लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक जो रेड लिटमस पेपर है, हम उसको इसके सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करके, डिप करके देखेंगे। अगर रेड लिटमस हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा ये रस्टेड सॉल्यूशन है, इसका नेचर क्या हुआ, बेसिक। क्योंकि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें हमारा रेड लिटमस ब्लू कलर का हो जाता है, रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू इन अ बेसिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जो हमारा आयरन का ऑक्साइड बना, उसका नेचर क्या है, उसका बेसिक नेचर है। इसको जो हमारा रस्ट सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों से टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। सो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो हमारा ऑक्साइड है आयरन का, दैट जो सॉल्यूशन हमारा बना है, दैट इज बेसिक इन नेचर। यहां पे पहेली जानना चाह रही है कि डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर से भी रस्टेड होता है। आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉपर वेसल्स। घर में जो कॉपर के तांबे के जो रहते हैं लोटे वगैरह, घरों में बोलते हैं ना तांबे के बर्तन रहते हैं, अगर आप उनको कुछ टाइम के बाद देखोगे ना, तो उनके ऊपर जो पहले जब बिल्कुल नया रहता है तो एकदम शाइनिंग सरफेस रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उनके ऊपर देखोगे कि ग्रीनिश लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो ये किसकी वजह से हुआ कि आपका जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब आपका कॉपर वेसल आप उसको एक्सपोज करेंगे मॉइस्ट एयर में फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट अक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग। ये जो ग्रीन मटेरियल है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका CuOH2 है और कॉपर कार्बोनेट आपका CuCO3 है। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है,
कॉपर प्लस H2O प्लस एयर के साथ, एयर में आपका CO2 भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो ये जो हमारा H2O प्लस CO2 प्लस O2 का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। तो जब हमारा कॉपर मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, और ये जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्रीन कोटिंग बनाते हैं जो हमें कॉपर के वेसल पे दिखाई देती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम रिबन के, तो आपको याद है आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, और बर्न किया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, फिर जो है मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो जो एस मिली थी, एस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया एंड देन टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। तो आपने ये देखा कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि जो आपको मैग्नीशियम रिबन बर्न करने से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट था, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व किया, और उसके बाद जैसे हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस अगर हम उसमें ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो ब्लू हमारा अगर ब्लू रहता है, और अगर रेड लिटमस उसमें उस जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर हम रेड लिटमस डालते हैं और वो ब्लू हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो यही तो हमें पता करना है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो ये अब आप बता पाओगे। सो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में टर्न हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैग्नीशियम का ऑक्साइड है दैट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। सो जनरली हमने क्या पाया कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।